कि जो अंग्रेजों के समय में जो एक गलत एंट्री रेवेन्यू में हुई है, जिसमें जमीन हमारी है लेकिन उसमें उगने वाले पेड़, विशेष रूप से चीड़ और खैर का जो पेड़ है, जो हमारे लिए एक सेब की फसल की भांति है, उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो विभाग का है। झंडुत्ता ऐसे सब डिविजन आते हैं जिसमें ये गलत एंट्री हुई है और उसमें इसे मैं सुधार कर दिया गया था कि एंट्री जो है वो किसानों के नाम कर दी और उसके बाद किसानों को वो सारे हक हकूक मिले। ये कुटलहड़ में किसानों की बहुत बड़ी एक डिमांड है कि जो अंग्रेजों के समय में जो एक गलत एंट्री रेवेन्यू में हुई है, जिसमें जमीन हमारी है लेकिन उसमें उगने वाले पेड़, विशेष रूप से चीड़ और खैर का जो पेड़ है, जो हमारे लिए एक सेब की फसल की भांति है, उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो विभाग का है। ये लंबे समय से ये एक बहुत बड़ी डिमांड जो थी वो किसानों की है, जो अगर उसको सुना गया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1998 और 2000 के बीच में, उसमें के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने किसानों की बात को समझते हुए, क्योंकि ये प्रदेश के अंदर ये नूरपुर, देहरा, पालमपुर, कुटलहड़ और हमीरपुर में ऐसे बहुत सारे सब डिविज़न, झंडुत्ता ऐसे सब डिविज़न आते हैं जिसमें ये गलत एंट्री हुई है और उसमें इसे मैं सुधार कर दिया गया था कि एंट्री जो है वो किसानों के नाम कर दी और उसके बाद किसानों को वो सारे हक हकूक मिले। किसानों ने उसके पेड़ काटे, विशेषकर खैर का पेड़ जो है वो वहाँ से कटवाया और उसका जो है वो लाभ किसान को मिला। लेकिन 2012-13 के बाद फिर से ये कहा गया कि ये जो सोयल अपना, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके तहत ही इसका मैनेजमेंट जो है वो चलेगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक UPF में वर्किंग प्लान बनाया है जिसके तहत ये अलाउ किया है। उसी तरह कहा कि जो खुदरो जमीन जो है वो किसान के पास है, उसका एक मैनेजमेंट प्लान बने, लेकिन अभी तक सरकार ने जो है वो उसको सबमिट नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि उस वर्किंग प्लान को, मैनेजमेंट प्लान को जो है वो तुरंत से सबमिट किया जाए और उसमें किसान की भागीदारी तय कर दी जाए और साथ में भागीदारी के साथ साथ में किसान को ही खैर काटने की अनुमति होनी चाहिए। ये जो हमारे 3 प्रश्न हैं, इसके लिए हमने आज ये डेपुटेशन दिया है और इन्होंने कहा है कि हम जल्दी इस मैनेजमेंट प्लान को सेंटर में सबमिट कर रहे हैं उसकी परमिशन। लेकिन मेरा साथ में ये कहना है, हम सबका साथ में ये कहना है कि इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए और उसको काटने का, क्योंकि जमीन हमारी है, खैर हमारा है, आप उसकी मैनेजमेंट प्लान बनाइए लेकिन हक हकूक कटवाने के अपने किसान को और उसकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए।